शाहरुख की बात की आपने अभी, तो आपको कितना लगता है कितने फेक है वो या रियल है, आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि शाहरुख क्योंकि बहुत हम्बल बिगनिंग से वो मूवी आते हैं और बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, तो वो जो थोड़ा बहुत मैंने मेरी उनसे जो बातचीत हुई है, मैंने यही रियलाइज़ किया है कि वो जो इस तरीके से अपने हाथ ऐसे खोलते हैं फिल्म्स में, इट्स सो रियल दैट द यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू हिम. जिस तरीके से वो अपने हाथ इस तरह खोलते हैं, ही एम्ब्रेसेस द होल यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स एम्ब्रेसेस हिम. दैट्स व्हाई वो इतने सक्सेसफुल हैं. वो किसी को भी गले लगाने से पहले या किसी से भी प्यार करने से पहले कुछ भी छोटा बड़ा कौन है क्या है नहीं देखते हैं. और यही मतलब मेरा जब उनसे बातचीत हुई थी, ही मेड मी फील लाइक आई एम अ बिगर स्टार देन हिम. ही और वो हर किसी के साथ करते हैं ऐसा, बिकॉज ही इज गॉड्स चाइल्ड, ही इज द यूनिवर्सिस चाइल्ड. एंड आई लर्न दैट फ्रॉम हिम, दैट द मोर यू लव द मोर यू ओपन योर आर्म्स फॉर पीपल टू लव द मोर लव यू गेट बैक. Can I talk about Imran Hashmi also? He kisses so well. I am just thinking I should do a Bhatt Saab ki picture. Why are we talking about film actors? Anything else? Yeah. In fact, जैसे मैं FIR में बहुत ही interesting अलग-अलग किरदार play करती थी, वैसे ही इसमें मैं अलग-अलग characters play करूँगी. And I love doing that. I love becoming अ रियल कैरेक्टर. जैसे कि मैंने अपने पिछले जो मैंने शूट किया उसमें मैं एक गुजराती लेडी का मैंने किरदार निभाया, और मैंने कभी गुजराती प्ले नहीं किया है. FIR में भी आई हैव नेवर रियली, आई थिंक एक दो बार किया होगा, बट मैंने इजी वे आउट करके ना थोड़ा सा निकल गई. बट इसमें आई प्लेड अ हार्ड कोर गुजराती वुमन एंड इट वॉज जस्ट ऑन द स्पॉट. एक हमारे AD हैं नीलेश करके, वो गुजराती हैं, तो उन्होंने मेरे को एक आध अच्छे वर्ड्स बताए और मैंने वो एक्सेंट पकड़ा. एंड इट वॉज सो मच फन. सो यू विल हैव मी प्ले अ गुजराती वुमन, आई बी प्लेइंग अ पंजाबी वुमन, आई बी प्लेइंग अ कॉलेज गर्ल, आई बी प्लेइंग अ आई होप स्कूल गर्ल. डू आई लुक लाइक वन? सो एनीवे, सो आई ट्राई दैट टू गेट इन टू एज मेनी डिफरेंट रोल्स एंड कैरेक्टर्स एज आई कैन, रियल लाइफ कैरेक्टर्स. एनीवे इन माई स्कूल आई वॉज यू नो द टॉलेस्ट गर्ल, मेरे को हमेशा पीछे खड़े करते थे लाइन में. और क्या था ना कि जो हमारी उसकी असेंबली की लाइन होती थी ना, वहाँ पेड़ लेफ्ट राइट में ऑल सेंट्स में ना पेड़ बड़े होते थे, तो पीछे तक लंबी लाइन में पेड़ खत्म हो जाते थे, तो मैं बिल्कुल धूप के नीचे खड़ी रहती थी, इसलिए इतनी पतली भी हो गई, आई थिंक धूप में सूख गई. एक की बात कर रहे थे, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ के साथ इनफैक्ट रिश्तों में बहुत ये होता है, लोग आपसे तरह तरह के वादे करते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं सकेंगे, ऑल ऑफ दैट. लेकिन इवेंचुअली कुछ और होती है सच्चाई, खूब जीते हैं और दूसरों के साथ भी जीते हैं, तो ये सब होता है. पहले बड़ा दुख होता था कि यार ऐसा क्यों हो गया, या इसने मुझसे झूठ क्यों बोला, या ये इतना फेक क्यों निकला, मैंने तो इसे ऐसा समझा था. बट देन जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, यू नो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग एंड दैट इज़ सो नॉट गुड, जस्ट सो नॉट गुड. Even before the release of the show, it is being compared to the American TV series called Inside Amy Schumer. It is hugely inspired by Inside Amy Schumer. It is hugely inspired by it. Of course, the comparison is absolutely right. But sadly, we live in a country where if a woman goes so bold with her sexuality or with the term called sex, it will be not taken or received very well. So we cannot go as bold or in our content like that. So hence we have made it real how our society is, how our culture is, how every household is. We are targeting that. We are not going to the in that zone. चलिए कविता जी, चाहते रहते मैं आपसे जानना चाहूँ कि नवरात्रि का सीजन भी चल रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ होती हैं आपके और क्या कुछ प्लान होते हैं? अरे कल मैं दिल्ली गई थी, तो वहाँ झंडे वाला मंदिर में हम लोग दर्शन करने गए थे, तो वहाँ किसी ने मुझे ये पहना दिया, ये देखिए ये ये ब्रेसलेट, और उन्होंने कहा कि ये पहनो आप, आपके लिए माता रानी ने भेजा है, उनका आशीर्वाद है. आई हैव नो आइडिया वो कौन थे, वो एक जेंटलमैन एक अंकल थे थोड़े बूढ़े से, तो ये मुझे बड़ा सुंदर भी लगा. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यूनिवर्स सेंड्स यू लव, सो
This is a beautiful blessing.